नमस्कार, बिगिनर्स किचन बाय शालिनी में आप सभी का स्वागत है। सर्दियाँ शुरू होते ही हमें तिल के पापड़, तिल की पट्टी, ये सब कितने याद आते हैं ना, और कितने स्वादिष्ट लगते हैं खाने में ये। तो फिर आज हम इन्हीं दोनों चीज़ों को एक ही मटेरियल से कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम तिल और उतना ही 250 ग्राम गुड़ लिया है। साथ में यहाँ पे थोड़ा सा घी लगेगा, 1 से 2 चम्मच, और आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर गार्निश करने के लिए क्या डालना चाहते हैं। थोड़ा ड्राई फ्रूट, या जैसे मेरे पास पिस्ता पड़ा था तो मैंने पिस्ते को कट करके ले लिया है। ये पिस्ता मैं उसको डेकोरेट करूँगी, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम तिल को मीडियम आंच पे, यानी कि ना बहुत तेज़ होगी ना बहुत धीमी गैस जलाएंगे, और इसे ऐसे भून लेंगे। भूनने में लगभग 5 से 7 मिनट लगेगा। लगातार इसलिए चलाना है ताकि बराबर सभी जितने तिल हैं सब पे आंच लगे और एक जैसे भुने, ठीक है। इसे हम ऐसे लगातार भूनते हैं। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, भुन गया है ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए जब हमारे भुन जाते हैं तिल, ये बिल्कुल सेक के अच्छे से हो जाएंगे, तो ये चटकने लगते हैं, ठीक है। ये इसी में आपको लगेगा कि कुछ चटक रहे हैं, फूट रहे हैं, बस समझ लीजिए आपके तिल भुन चुके हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, हमारे वीडियो को जितना टाइम बनने में लगा है बस उतना ही टाइम समझिए ये आपको बनाने में लगेगा तिल पट्टी या तिल पापड़। फिर ये तिल हमारे लगभग भुन के तैयार हो गए हैं, इन्हें मैं चटक रहे हैं अलग हटा के प्लेट पे रख लूँगी, और ये मैं ये हटा ले रही हूँ। अब ये पैन मेरा खाली हो गया है, आप कढ़ाई में करते तो आपकी कढ़ाई खाली हो जाती। अब इसी पैन में मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, ये लगभग 2 चम्मच घी में काम चल जाएगा मेरा, ठीक है। ये घी के साथ गुड़ डाला, अच्छा घी क्यों डाला, ताकि मेरा गुड़ जो ये पिघलने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये तली में चिपक ना जाए या जलने ना लगे, ठीक है। इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे, और ये भी हमें मीडियम आंच ही रखनी है, तेज़ नहीं रखनी है ना ही बहुत धीमी रखनी है। जब गुड़ पिघल जाएगा तब आप आंच को थोड़ा सा तेज कर सकते हैं, फ्लेम को बढ़ा सकते हैं। अब ये गुड़ धीरे धीरे देखिए पिघलना शुरू हो गया है। अच्छा, गुड़ जब पिघलते हैं तो कितनी अच्छी सी खुशबू आती है ना, ये गुड़ पिघल जा रहा है। वैसे ये मैंने अपने बिफोर मैरिज मम्मी मेरी बनाती थी, तो मैंने कभी नहीं नोटिस किया कि मम्मी ये कैसे बनेगा, लाओ सीख लें, लेकिन अब खाने की लालच तो लगती ही है, तो फिर मैंने भी बाद में बनाना सीखा। अच्छा, इसे चेक कैसे करेंगे कि गुड़ पक गया है, कितनी इसकी हमें चाहिए पका हुआ, ये इसको ठंडे पानी में मैं चेक करूँगी डाल के। थोड़ा सा बाउल में पानी लिया और चेक किया, अगर ये गुड़ हमारा तुरंत बिल्कुल टॉफ़ी की तरह टूट जाए, ये अभी मेरा नहीं पका है, क्योंकि ये देखिए इसमें ये खिंच सा रहा है, तुरंत टूटा नहीं, ठीक है। इसे और 2-4 मिनट पकाते हैं, फिर मैं देखती हूँ दोबारा। 2 मिनट बाद मैं देख रही हूँ ये पका है कि नहीं, झाग खूब दिखने लगता है, कलर भी हल्का चेंज हो जाता है ये। अब हम जब इसे तोड़ेंगे तो ये टॉफ़ी की तरह टक से टूट जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ये देखिए है ना, जो ये टूट जा रहा है इट मीन्स ये परफेक्ट हो गया है। अब इसमें तिल डाल दूंगी मैं, तिल डाल के इसे मिक्स किया। अब अगर आपको पापड़ बनाना है तो इसमें से थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ये मटेरियल लेंगे, और या फिर आप पॉलिथीन पे मोटी बटर पेपर हो इस टाइप की किसी चीज़ पे इसे पहले अच्छे से घी लगा लीजिए, तेल लगा लीजिएगा, तब बेलने की कोशिश करिएगा। अब मेरे पास ये चॉपिंग बोर्ड था, इस बोर्ड पे मैंने अच्छे से तेल लगा लिया था और थोड़ा सा मटेरियल लिया है। इस मटेरियल को गर्म होगा इसलिए संभाल के करिए, हल्का सा हाथ से ऐसे मैंने रोल किया, और बढ़िया इस पर मैं फिर ये पिस्ते
सजा दे रही हूँ। और इसे हम बेलन को भी ग्रीस कर लेंगे, अच्छे से तेल लगा लेंगे और इससे ऐसे रोल करके इसे फटाफट से बढ़ा देंगे। ये बहुत आसानी से बन जाता है, कोई इसमें बहुत टफ वर्क नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए ये मैं बेल रही हूँ, मेरा मटेरियल उधर गैस पे ही रहने दीजिएगा, अगर आप उसे अपने टॉप पे रख देंगे अलग तो मटेरियल जल्दी ठंडा होगा। मान लीजिए आपका मटेरियल थोड़ा आपको लग रहा है ठंडा हो गया, जम गया, तो गैस को सिम पे खोलिए और हल्का सा घुमाइए, विद इन अ मिनट ये फिर से मेल्ट हो जाएगा गुड़, और आप दूसरा पापड़ बनाने में आराम से ईजिली बना लेंगे। ठीक है, ये मेरा पहला पापड़ बन के तैयार हो गया है। अगर मैं ढेर सारी दो चार बटर पेपर ले लेती या दो चार पॉलीथीन ले लेती तो मुझे और आसान हो जाता, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मेरे पास दो चॉपिंग बोर्ड थे। आप इसे जो आपका टॉप होगा ना किचन का, उस पे भी आराम से अगर ग्रीस करेंगे तो पापड़ बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए मैंने इसे ग्रीस किया ऑयल से और फिर मटेरियल लिया, हाथ से हल्का सा प्रेस कर लिया है, गरम है, संभाल के करिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये फिर मैंने पिस्ता हल्का सा ग्रीस किया और इसे बेलन से फिर से हम फैला लेंगे। ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी वाला प्रोसेस होता है ताकि हमारा मटेरियल वहीं पे ना जम जाए। ठीक है, खूब अच्छे से पहले स्टार्टिंग में हल्के हाथ से करिए, फिर देखिए अगर बढ़ रहा है आसानी से ये फैल जा रहा है तो फिर फटाफट से इसे चपटा बेल के फैला लेंगे हम। ठीक है, मटेरियल मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपको लगे कि कढ़ाई का मटेरियल ड्राई हो रहा है, सूख रहा है, आप गैस को बिल्कुल धीमी आंच पे खोलिए, विद इन अ मिनट वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और उसमें से उठाइए थोड़ा सा मटेरियल और अपने टॉप पे जहाँ पे आपने ग्रीस किया हो, चाहे आप चकला ले लीजिए या फिर जिस तरह मैंने चॉपिंग बोर्ड यूज़ किया है वो करिए। ये देखिए मटेरियल जब ठंडा हो जाएगा बेला हुआ तभी आसानी से निकल जाएगा, अगर ना निकले तो हल्का सा चाकू गरम करिए और उसे हल्का सा जब नीचे घुमाएंगे ना आराम से सारे पापड़ निकाल आएंगे। देखिए कितने बढ़िया से बने हैं ना, पतले से, बहुत बढ़िया। मम्मी ये आपके लिए है, क्योंकि मैं पापड़ उतने अच्छे नहीं बना पाती, मेरी मदर जो हैं वो बहुत ही परफेक्टली बनाती हैं, तो आज मैं ये उनको बना के दिखा रही हूँ कि हाँ मम्मा मैं भी सीख गई हूँ। ओके, देखिए ना कितने ठीक बन गए हैं। जनरली मैं पट्टी बनाने पे बिलीव करती हूँ कि चलो तिलपट्टी बना लेते हैं, वो इजी पड़ता है। ठीक है, तो ये तो मैंने चार पापड़ पांच पापड़ बना लिए थे, तो जो मटेरियल बचा है ठीक है उससे हम आज पट्टी भी बनाते हैं, जो बहुत इजी लगती है मुझे। पापड़ बनाना थोड़ा सा लंबा वर्क हो जाता है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। इसमें क्या है, मटेरियल लिया, उसको ग्रीस की हुई थाली पे मैंने पलट दिया, सबसे आसान है भाई, इससे आसान तो होगा नहीं। टेस्ट थोड़ा 19-20 हो सकता है कि वो पतला है तो उसका टेस्ट कुछ अलग, ये आपको मोटा चौड़ा मिलेगा तो इसका अलग। इसको अच्छे से फैला लीजिए, सेम प्रोसेस। हाँ, इस पे फिर मैंने पिस्ता देखिए ग्रीस कर दिया, सॉरी सजा दिया, उसके बाद बेलन से इसे भी फैला लेते हैं हम लोग। ठीक है, बेलन पे हर बार मैं कह रही हूँ अगर आप इस पे ऑयल घी कुछ लगा लेते हैं जब पापड़ बनाए तब भी, पट्टी बनाए तब भी, तो ये चिपकता नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी चीज़ पे इसे बना रहे हो, पापड़ चाहे पट्टी, उस पे पहले से ऑयल या घी लगा हो ताकि चिपके नहीं, नहीं तो आपके पापड़ या आपकी पट्टी जिस पे भी बना रहे हैं उस पे चिपक जाएगी और निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब इसे चाकू से मैं निशान लगा दूंगी ताकि जब ठंडा हो तो आसानी से निकल जाए। ठीक है, ये शेप देने के लिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, चौकोर बनाते हो, थोड़े से लंबे बनाते हो, कैसे आप उसको कट लगाते हो। ठीक है, ये मैंने इसे कट लगा दिया और इसको चाहे पापड़ था चाहे पट्टी, हमें 10 से 15 मिनट रेस्ट देना पड़ेगा ताकि आसानी से ये जम जाए। आप पहले हड़बड़ी में सोचो कि लाओ मैं सारे पापड़ निकाल लूँ या पट्टी फटफट निकाल लूँ, नहीं, गर्म है, पिघला हुआ है, ये शेप बिगड़ जाएगी, टूट जाएगा। ठीक है, इसे ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद बड़े आराम से निकल जाएगा क्योंकि इस पे हमने तेल घी नीचे लगा रखा था। देखिए ना कितने आराम से निकल गया ना। अच्छा, मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं निकल रहा है तो इसी थाली को आप गैस पे बिल्कुल धीमी आंच पे
फॉर अ सेकेंड 1, 2, 3 हटा लीजिए थाली और नीचे से हल्का सा ये मान लीजिए नहीं निकल पा रहा है आपका घी, दिक्कत कर रहा है, तुरंत से तुरंत ये फटाफट निकल जाएंगे। बगल में मेरे पापड़ भी रखे हुए हैं, ठीक है, पापड़ आराम से मेरे निकल गए थे क्योंकि वो पहले ठंडे हो गए, वो पतले थे, ठीक है। ऐसे मैं ये सारे पीस अलग कर ले रही हूँ और बता नहीं सकती हूँ पापड़ बनाने के बाद कितनी खुशी हो रही, क्योंकि जनरली मैं ये पट्टी बना के काम ख़त्म करती हूँ। पापड़ ये मैं शायद दूसरी बना रही हूँ, दूसरी बार बना रही हूँ और ठीक ठाक बन भी गया आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए ये पट्टी बढ़िया से निकल गई है ना। और अगर आपको लगता है कि ये ब्राउन कलर की है, कलर कम अच्छा लग रहा है, तो आप इसे चीनी में बना सकते हैं और चीनी में भी सेम लगभग यही प्रोसेस होनी है, कोई इसमें जनरली चेंज नहीं आना है, ठीक है। और चीनी में बनाएंगे तो यही पापड़ आपको, ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ना, फटाफट से टूट भी गए और खाने में तो बहुत ही यमी बनेंगे। और हाँ, मैं कह रही थी चीनी में अगर बनाते हैं तो यही पापड़, यही पट्टी आपकी सफ़ेद बनेगी। चलिए एक बार फिर मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको कितनी आसानी से टूट जा रही है ना बढ़िया। तो फिर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।